अस्सलाम वालेकुम नाज़नीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़नीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूवर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है चिकन जलफ्रेज़ी। और चिकन जलफ्रेज़ी की रेसिपी किस तरह तैयार होगी, इसको बनाने का तरीका क्या है, ये जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिरहीम। ये मैंने ले लिया मुर्गी का गोश्त बोनलेस, हाँ जी, छोटे छोटे टुकड़ों में है, ठीक है। ये दो अंडे मैंने फैल लिए, इसमें मैं ब्लैक पेपर, हाँ जी, काली मिर्च डालती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये शिमला मिर्ची मैंने ले ली, एक शिमला मिर्च, हाँ जी, बड़ी सारी। एक टमाटर बड़ा सारा, एक बड़ा सारा प्याज ऐसे काट लिया, देखिए मैंने, वो अपनी मर्ज़ी से भी, हाँ जी, वो अपनी मर्ज़ी से भी आप कर सकते हैं। आधा चम्मच मिर्च का, आधा चम्मच सूखे धनिए का, आधा ज़ीरा, तो एक आधा चम्मच नमक का, बस। और काली मिर्च भी है, हाँ काली मिर्च, ठीक है। ये सोया सॉस, ये चिली सॉस, वो केचप भी डालनी है, तो है। हाँ जी, ये पहले लहसुन अदरक का पेस्ट भी, हाँ जी, वो उसमें पहले मैं ये अंडा बना लूँ, ठीक है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम लोगों ने अपनी जो चिकन जलफ्रेज़ी की रेसिपी इसको शुरू कर दिया है। पहले हम लोगों ने जो सा है एग, उसको फ्राई कर लिया है। हम लोगों ने कितने अदद अंडे लिए हैं, दो अदद हम लोगों ने अंडे लिए हैं, तो पहले हमने उसको फ्राई कर लेना है यहाँ पर। आप बनाएंगे बहुत मज़े की बनेगी। तो आप लोगों से चिकन जलफ्रेज़ी की रेसिपी है इसको जरूर बाजार जैसी। तो यहाँ पे हम लोग जो सा अंडा इसको फ्राई कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, आप लोगों को आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो बहुत अच्छी लगेगी चिकन जलफ्रेज़ी की। आज हम आपको चिकन जलफ्रेज़ी बनाना सिखा रहे हैं। तो इंग्रीडियंट्स हमने आप लोगों को बता दिए कि जो जलफ्रेज़ी के लिए हमें इंग्रीडियंट्स हैं वो कौन कौन से दरकार हैं। तो यहाँ पर पहले हम लोगों ने जो सा है अंडा, उसको हम लोगों ने फ्राई कर लिया। उसके बाद जो सी हमारी फर्दर जो सी चीज़ें होंगी उसको हम लोग ऐड करेंगे और देखेंगे मज़ेदार जो चिकन जलफ्रेज़ी की रेसिपी है वो कैसे फाइनल हो। झटपट बन जानी है इसने, बहुत जल्दी से, मतलब इसने बन जाना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको बनाने में। तो व्यूअर्स, अब हम लोगों ने जो सा एग है उसको फ्राई कर लिया है, और अब हम लोगों ने जो सा लहसुन अदरक का पेस्ट है इसको हम लोगों ने फ्राई करना है। मतलब हम लोगों ने थोड़ा सा इसको गोल्डन सा, मतलब इसको कलर दे के इसको थोड़ा सा इसके अंदर जो तेल है उसके अंदर अच्छी तरह से इसको भून लेना है, ठीक है। तो उसके बाद जो सी हमारी रेसिपी है वो फिर हम लोग उसके अंदर मतलब चिकन डालेंगे, वेजिटेबल्स किस तरह, मतलब हम लोग पहले क्या डालेंगे इसके अंदर, चिकन को भूनेंगे, गलाएंगे चिकन को, भूनेंगे चिकन को हम लोग, मतलब गलने के लिए रख देंगे, पहले चिकन को पकाएंगे, उसके बाद जो वेजिटेबल्स है वो ऐड करेंगे। इसके अंदर हम लोगों ने चिली सॉस, सोया सॉस भी डालनी है, केचप भी शामिल करनी है। जब तैयार हो जाएगा ना फिर सब्जी ये सब चीज़ें डाल, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो रही है। काट के डालना फ्रेन, यहाँ पर जो हम लोगों ने इसको भूना शुरू किया है, इसको फ्राई कर रहे हैं हम लोग, वो भी बहुत अच्छी आ रही है इसकी। तो अब हम लोगों ने इसमें चिकन डाल दिया, चिकन को हम लोग इसके अंदर डालकर को पकाएंगे, फिर उसको हम लोग पहले तैयार कर लेंगे, उसके बाद जो हमारी वेजिटेबल्स हैं उनको हम लोग शामिल करेंगे। हाँ जी, अब मैं मसाले डाल दूँ। तो देखिए व्यूअर्स, हम लोगों ने चिकन को जब भून लिया तो उसका कलर भी जो है वो चेंज हो गया है, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमने जो है स्पाइस है ये भी ऐड कर देंगे इसके अंदर, माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अच्छी तरह से हम लोगों ने भून लिया, इसकी निशानी क्या है, किसी भुनाई अच्छी हो गई है, ये तेल निकल आया है। हाँ जी, आप ना इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, ये गल जाए बस, ठीक है। तो चिकन को हम लोग गलने के लिए रख रहे हैं। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारी वीडियो को पूरा देखा है कि मज़ेदार जो बाकी जो काम है वो बाद में करेंगे, कैसे तैयार हो। हाँ जी, जो बकाया काम है करते हैं, इसके बाद ये गल जाए। हाँ जी, ये प्याज, चिकन हमारा जो है वो गल चुका है, अब हम लोगों ने इसके अंदर प्याज डाल दिए हैं, और ये शिमला मिर्च भी डाल दी है, साथ ही हम लोगों ने टमाटर भी डाल दिए। दो मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा हो गया, बस ज़्यादा गलाना नहीं है ना इन्हें से,
क्योंकि आपको पता है जलफ्रेजी में तो शक्ल हर चीज की मतलब बरकरार होती है। हाँ जी, जरा खड़े खड़ी रहती है सब्जी। वो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त आ रही है। हाँ जी देखिए माशाल्लाह। अंडा भी अभी ना डालना है इसमें, अभी ना थोड़ा सा पक गया ना, डालती हूँ ये मैंने ना टमाटर भी डाल दिए इसमें, इसके बीज मैंने निकाल लिए थे टमाटर के। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। तो अब मम्मा इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मतलब सोया सॉस, चिली सॉस और केचप वो लाजमी डालती है ना इसमें, ये थोड़ा सा पक जाए ना फिर मैं डालती हूँ। हाँ जी बस थोड़ा थोड़ा सा ना चिली सॉस और सोया सॉस हम लोगों ने इसके अंदर ऐड किया थोड़ा सा। आज हम बना रहे हैं जलफ्रेजी, बहुत मज़े की बनेगी, आप बनाएं। और बहुत इजी है, मतलब इतना कोई मुश्किल नहीं है, आपको जल्दी से बन जाती है। हाँ जी और बहुत मज़े की बनती है, सबसे बड़ी बात ये। तो उसके साथ हम केचप भी डालेंगे, जिसके साथ हम लोगों ने चिली सॉस सोया सॉस डाल दी है। ये मैंने केचप भी डाल दी है और साथ आमलेट अंडा भी डाल दिया। अब देखिए माशाल्लाह हमारी जलफ्रेजी तैयार हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए लुक कितना इसका अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छी बन गई है ये। तो अभी बिल्कुल फाइनल होगी, इसको हम रिशॉर्ट करेंगे। हाँ जी तो व्यूअर्स ये है इसका फाइनल लुक, तो इसको रिशॉर्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी जो सी आज की रेसिपी वो पसंद आएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी है, मैंने इसको टेस्ट किया है और माशाल्लाह हर चीज़ बहुत ही परफेक्ट है। इतनी मज़ेदार अच्छी सी जो जलफ्रेजी है, अब आप लोग घर में बनाकर खाएंगे तो सब आपके दीवाने हो जाएंगे। होटल जैसी है, होटलों से बल्कि भड़के, इतनी तो अच्छी बाजार से भी नहीं आती जितनी हम लोग घर में अच्छी बना लेते हैं। तो व्यूअर्स आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, हमें अपनी फीडबैक दें कि आपको जो हमारी रेसिपी है वो कैसी लगी है। तो व्यूवर्स ये है हमारी आज की रेसिपी का फाइनल लुक। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी हमारी मज़ेदार सी चिकन जलफ्रेजी की रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक दें और उसके साथ साथ हमारे चैनल को भी ध्यान से सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी जो सी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो व्यूवर्स अब आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ गो हैं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।